विधानसभा विधानसभेमधली उमेदवारी जी आहे ती अखेर मवियाकडनं जाहीर करण्यात आलेली आहे सपाचे प्रदेश युवक प्रदेशाध्यक्ष असलेले फहाद अहमद यांनी काही वेळापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे आणि त्यांना ती उमेदवारी जयंत पाटील यांच्याकडनं देण्यात आली आहे पहिल्या प्रतिक्रिया काय कारण की खूब मोटा संघर्ष कर पोचलात एक विद्यार्थी तरुण दक्ष दशेल तुम्हें एक नेतृत्व राहिला अनेक कॉलेज कैम्पस में आंदोलन वगैरह करा आता ही विधानसभा की उम्मीदवार तुम्हारा मिला का है काय आनंद हो तो नहीं आनंद नहीं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये इस बात को दर्शाता है कि पार्टी व्यक्ति सिंबल इनसे ऊपर आज महायुति सरकार के खिलाफ जो माहौल है उसको जो है उसके खिलाफ जो है मजबूती से काम करना है और मुझे लगता है जिस परिवार जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से मैं आता हूँ ऐसे व्यक्ति को शरद पवार साहब ने जो भरोसा किया है इस भरे भरोसे को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और पूरी मेहनत के साथ उन तमाम लोगों के खिलाफ लड़ूंगा जिन्होंने शरद पवार साहब की ज़िंदगी भर के मेहनत की हुई पार्टी का सिंबल उनसे छीना है और ये प्रयत्न लेता हूं मैं आज पुरी एन सी पी का एक एक कार्यकर्ता एक चुनाव के तौर पे नाही एक एक कार्यकर्ता जब जब तक शरद पवार साहब को उनका सिंबल और पार्टी लाके नहीं देगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं खरं तर तुम्ही कालपर्यंत समाजवादी पक्षामध्ये होता आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये येऊन तुम्हाला उमेदवारी जाहीर झाली आहे परंतु जे पक्षामध्ये त्या, त्या विधानसभेमधनं इच्छुक उमेदवार होते ते मात्र नाराज झालेले आहेत ते तुमच्या उमेदवारीवरती आक्षेप घेताना पाहायला मिळतात देखिए ये तो इस बात को दर्शाता है कि एन सी पी शरद पवार साहब की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इच्छुक थे उन चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र है लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है लेकिन जो पार्टी फैसला लेती है वो सबको मान्य होता है मुझे भी मान्य होता और हम सब लोगों ने एक दूसरे को बोला बताया कि सब उस फैसले को मानेंगे आखिर बात मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो एन के पदाधिकारी हैं मैं उन सबका सम्मान करता हूँ मैं सबसे जाके मिलूंगा और तीन चार दिन के अंदर आपको दिखेगा कि वो सब लोग मेरे साथ हैं हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका संघर्ष और मेरा संघर्ष अलग नहीं था पक्ष अलग थे पहले सेकंड फ्लोर पे बैठता था अब फर्स्ट फ्लोर पे बैठूंगा बस इतना अंतर है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी शरद पवार साहब जो है एक साथ काम किए दोनों सोशलिस्ट विचारधारा से आते हैं दोनों सेकुलर राजनीति किया करते थे आज अखिलेश यादव जी और सुप्रिया ताई सुले जी एक दूसरे के साथ पार्लियामेंट में जो है लड़ती हुई दिखाई देती हैं एक ही परिवार है एक ही विचारधारा है कोई अंतर नहीं है बस ये था पहले उस पक्ष में था तब भी उसी के खिलाफ अब इस पक्ष या तुमच्या देशातल्या आता उमेदवार असणार आहेत सना मलिक नवाब मलिक देखील यंदा निवडणुकीत उभे राहतात ते शिवाजीनगर मानखुर्द विधानसभा अर्थात त्या बाजूच्या विधानसभेमधनं ते कॉन्टेस्ट करणार आहेत परंतु त्यांचा अजून पक्ष ठरलेला नाही परंतु अबू आजमीनच्या विरोधात ते निवडणूक लढतात आहेत आणि अबू आजमीनवरती ते थेट आरोप करतात की त्या विधानसभेमधली जी ड्रग्सचं रॅकेट आहे दहशतीचं वातावरण आहे ते आम्ही संपवण्याचा यंदा प्रयत्न करना विश्वास नवाब मलिक व्यक्त कर नवाब भाई को मेरे साथ लेके चलो मैं उनका हाथ पकड़ के ले जाऊंगा चीता कैंप में और उनको फिर एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि जब राष्ट्रवादी चशक करके आप टूर्नामेंट कर रहे थे तब उस वक्त, उस वक्त वक्त जो है आपके वहीं पे लोग ड्रग्स भी रहे थे चीता कैंप में ड्रग्स की कितनी समस्या है चीता कैंप में स्कूल नहीं बने चीता कैम्प में कॉलेज नहीं बने दस साल यहाँ पे कुछ किया नहीं और चल दिए अब दूसरी कॉन्स्टुन्सी में अपने बेटी को उम्मीदवार बना के ऐसे रहा ये लोकतंत्र है राजशाही नहीं है आपको जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे और आप ये बताइए आप किसके इशारे पे खेल रहे हैं बीजेपी के ना मायूति के ना जिन्होंने आपको जेल में डाला था इतना जमीर भी नहीं बचा हम लोगों के बीच में कि जिन लोगों ने हमें अगर आप गलत जेल में नहीं गए थे तो आपको तो उन लोगों का विरोध करना चाहिए था आप ये दर्शा रहे हो कि शायद आपको सही जेल भेजा गया था ये मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ कोर्ट में पेंडिंग मामला है लेकिन मैं नवाब भाई से यही कहना चाहता हूँ कि आपने दस साल अनुशक्ति नगर की जनता को लूटा है अब वक्त आया है कि अणुशक्ति नगर को बेहतर बनाया जाए मेरे भाई आज भी अणुशक्ति नगर में पानी पीने का पानी नहीं है भारत नगर में ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल में हम लोग रह रहे हैं आज भी लोगों के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं वहाँ की कंपनियों से जो निकलता है आपका भाई मेहनत करेगा दिन रात मेहनत करेगा क्योंकि शौक है धंधा नहीं है राजनीति राजनीति शौक है बहुत सा कारे करता को जो टिकेट दिया है उसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली होते फहाद अहमद जे अनुशक्ती विध अनुशक्तीनगर विधानसभेमधून मवियाचे आता उमेदवार असणार आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ते आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ते सदस्य आहेत खरंतर नवाब नवाब मलिक यांच्या कन्या सनाब मलिक विरोधात मी उमेदवारी दाखल केलेली आहे आता आणि मी निवडून येणार असा विश्वास त्यांनी आपल्यासोबत बोलताना वर्तवलेला आहे विडजली सचिनसह अक्षयमंकणी टी व्ही मराठी मुंबई हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टी व्ही नाईन मराठी काळजी तुमची हित महाराष्ट्राचं